जिस पुस्तक से मैं ये सब रचनाओं को आपको सुनाऊंगी, ये पुस्तक इलाहाबाद में 1992 में मैंने 5 रुपए में खरीदी थी और वो पुस्तक तब से मेरे लाइब्रेरी का हिस्सा रही है। और जब यारी साहब का ध्यान आया कि यारी साहब पे कुछ बात होनी चाहिए, तो हम अपनी लाइब्रेरी में घुसे और देखे क्या है हमारे पास। अजब बात, कुछ भी नहीं, ऐसा कैसे हो गया। और फिर उस पतली सी पुस्तक का मुझे ध्यान था और वो मिली। बूढ़ी हो गई वो पुस्तक इतने समय मेरे साथ चलते चलते, क्योंकि जब मिली थी तब भी वो नई नई थी, पुरानी थी, और 5 रुपए में उसने बेच दी, क्योंकि उसके लिए वो रद्दी थी, मेरे लिए वो कीमती हीरा था। और वो हीरा संभला ही रहा, अब निकला कहीं बाहर जाकर। सो इस फकीर यार मोहम्मद को हम फिर से जिंदा करेंगे। मुझे तो इनके नाम से प्यार हो गया, यार मोहम्मद। इनकी बात में हम जब जाए तो जाए, लेकिन इस समय मुझे एक बड़ी प्यारी एक रचना भीतर गूंज रही है, पर अगर हम उधर चला गए ना तो बोलना बंद हो जाएगा और सिर्फ गाना ही रह जाएगा, इसलिए अभी उधर नहीं जाएंगे। यार मोहम्मद का जन्म मुसलमान परिवार में हुआ, इतना ही भर मालूम है। जैसे कबीर साहब का पालन पोषण एक मुसलमान परिवार में हुआ, और कहीं ना कहीं कबीर साहब का जो प्रभाव है वो पूरे उत्तर भारत में इतना ज़्यादा रहा है कि उनके जाने के भी 300 वर्षों बाद कोई एक महात्मा, जिनका फिर असल नाम मालूम नहीं है, लेकिन वो प्रसिद्ध हुए इस नाम से, बावरी साहब। ये अजीब बावरों की परंपरा है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। ये शुरुआत हुई बावरी साहब से, बावरी साहब के शिष्य हुए बीरू साहब, और बीरू साहब के फिर आगे शिष्य हुए यारी साहब, यारी साहब के फिर आगे शिष्य हुए बुल्ला साहब। ये बुल्ला शाह नहीं है, ये दूसरे बुल्ला साहब है, और इन बुल्ला साहब की भी समाधि दिल्ली में। बुल्ला साहब के फिर आगे 2 शिष्य हुए, जगजीवन साहब और गुलाल साहब, जगजीवन के ही शिष्य, फिर दुलंदास गुलाल साहब के शिष्य भीखा साहब, और फिर भीखा साहब की परंपरा में आए गोविंद साहब, और गोविंद जी के बाद आए, जिनको फिर मैंने एक समय में बहुत गाया, पलटू साहब। चलती चक्की देख दिया मैं रोए है, ये पलटू साहब का भजन था। इतना कह सकते हैं इनके बारे में कि जब ये अपने गुरु के पास गए हैं, जब ये अपने गुरु को मिले हैं, तो बस फिर गुरु के हो गए, फिर वापस घर नहीं गए, उन्हीं के पास रह गए दिल्ली में। और वहीं रहकर अपने गुरु की सेवा करते रहे। ऐसे लोगों को दुनिया दीवाना कहती है, दुनिया पागल कहती है, पर दीवानगी इसी को तो कहते हैं जिसमें घर घाट गली गांव सब भूल जाए। वो शराब भी क्या जो पीने के बाद होश बनी रह जाए। ऐसा कि पिलाना ही है तो ऐसी पिला मुझको, ऐसा कि पिलाना ही है तो ऐसी पिला मुझको कि पीऊं तो फिर होश में ना आऊं। और जिस नशे के बाद फिर होश आ जाए, वो नशा कच्चा होता। और जिस नशे के बाद बेहोशी हो जाए, वो
कह रहे ना ना हूं नहीं मैं बेहोश, मैं हूं सिर्फ मदहोश। हूं नहीं मैं बेहोश, हूं मैं सिर्फ मदहोश के पी है अपनी साकी की निगाहों से। और जिसने नजर से पी होती है बेहोश कैसे हो सकता, मदहोश होता। मदहोश मतलब कुछ होश भी है और इस होश में कुछ बेहोशी भी है। बेहोशी संसार की, बेहोशी दुनिया की, होश अपनी। मिले तो फिर बिछड़े नहीं, मिले तो फिर गुरु के ही पास रह गए। फिर एक दिन वो आया जब गुरु चले गए। शरीर तो जाना ही है, शरीर जो गया तो फिर क्या किए, घर वापिस भाग गए ना, वहीं रहे। पहले सत्संग गुरुदेव करते थे, फिर यारी साहब करने लग गए। सत्संग की धारा कभी टूटी नहीं। इस धारा में फिर बहुत मस्ताने डूबे, बड़े मस्ताने डूबे, कईयों को दीवाना बनाया यारी साहब ने, प्रमुखता से केशवदास, सूफी शाह, शेखन शाह और हसन मोहम्मद शाह, ये सब इनके प्रमुख शिष्य हो गए, जो इनके बाद, इनके चले जाने के बाद इनकी परंपरा के, इनके प्रेम के, इनके ज्ञान के इन गीतों को वो गाते रहे। ये यारी साहब की जो रचनाएं हैं, इनको समझने के लिए बहुत बुद्धि चाहिए, योग और वेदांत तो दोनों की समझ चाहिए। अगर आपके पास योग और वेदांत की समझ नहीं है तो यारी साहब को समझना मुश्किल हो जाएगा। शब्द बड़े सरल है, बड़े मीठे 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 शब्द है, पर इन मीठे शब्दों में जो कसक भरी है वो बहुत तेज है, वो बहुत करारी है, वो बहुत कड़क है, वो सीना चीर देगी। महात्मा की कोई जाति नहीं होती, महात्मा का कोई धर्म नहीं होता, महात्मा का कोई वर्ण नहीं होता है। महात्मा तो बस अपने ही उस आनंद में लीन रहते हैं और उसी आनंद में लवलीन रहते हुए वो जो बोल दें सो सत्य है और जो कर दें सो उनके जीवन की लीला है, जो दूसरों के लिए एक मिसाल, एक उदाहरण बन के सामने खड़ी हो जाती है। आज से यारी साहब की इस रचना से हम लोग शुरू कर रहे हैं, प्रेम से इसको श्रवण करिए। बंदगी इस आलम
शब्द का अर्थ होता है दुनिया, बिना बंदगी के इस दुनिया में। ए जीव, तेरा खाना हराम है। हराम और हलाल की जो बात है उसको आप सब समझते ही है, जो अनएथिकल है, जो अनमोरलिस्टिक है, जो अनट्रूथफुल है। नीति धर्म शास्त्र महात्मा जनों के वचनों के विरुद्ध जो जाए, आम भाषा में कहें जो गैर कानूनी है, पर धर्म की भाषा में कुछ जो गैर कानूनी बात कही जाती है उसका किसी देश के बाहरी कानून से कोई लेन देन नहीं। जिस बंदे ने बंदगी ना की, यारी कहते हैं, उसका खाना हराम है। बंदा वही जो बंदगी करे, और जो बंदगी ना करे वो बंदा, बोले नहीं जानवर।
जो तुझे याद न करे, ऐ मेरे मालिक जो तुझे याद न करे, सच तो ये है उस आदमी का पूरा जीना हराम है। हलाल तो उसी का हुआ जिसके दिल में, मन में, बुद्धि में तेरी याद है, तेरी बंदगी है। बंदा करे सोई बंदगी, खिदमत में आठों जाम है। और अगर ये बंदा बंदगी करे तो फिर ये आठों पहर पूरी कायनात उसकी खिदमत में हाजिर हो जाती। बनना जो है, मनुष्य होना जो है, ये एक ऐसी स्थिति का नाम है कि नीचे गिरे तो हैवान और ऊपर उठे तो भगवान। जब इंसान अपनी औकात से नीचे गिर जाए, अपनी बुद्धि से नीचे गिर जाए, अपने मन से नीचे गिर जाए, तो ये हैवान हो जाता है। पर यही इंसान जब अपने मन बुद्धि से ऊंचा उठ जाए तो भगवान है। भगवान न किसी काबे काशी में रहने वाले को कहते हैं, भगवान न किसी सात आसमान के ऊपर बड़े से सिंहासन पर बैठे किसी व्यक्ति को कहते हैं, भगवान न किसी विष्णुलोक, शिवलोक इत्यादि इत्यादि लोकों में बैठे किसी देव को कहते हैं। भगवान अर्थ तुम्हारी ही मूल रूप सच्चाई, तुम जो हो अपने मूल में, अपनी निजता में, अपनी आत्मीयता में, वही भगवान। अब इंसान होकर के अगर अपने आप को ना समझे, अपने मन को ना समझे, अपनी बुद्धि को ना समझे, अपने अस्तित्व को नहीं समझे, बुद्धि का विकास नहीं करे, नीचे गिरेगा। नीचे गिरेगा तो हैवान है। कभी कोई जानवर जब शिकार करता है तो उसकी भूख मिटाना लक्ष्य होता है। उसको भूख लगी होती है इसलिए वो शिकार करता है। अगर भूख ना लगी हो तो शेर के सामने से कई जानवर निकल जाए, वो उनको कुछ नहीं कहता। द लायन द टाइगर डजंट किल एनी एनिमल फॉर द स्पोर्ट जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट, ना, नेवर। Whenever lion is hungry, जब उससे भूख होती है तब वो शिकार ढूंढता है और वो शिकार को भगाता है और फिर पकड़ता है और खाता है, और जितना खाना है खाया, बाकी छोड़ देता है। सियार, गीदड़, दूसरे छोटे छोटे जानवर शेर के जाने के बाद उसी मरे हुए जानवर को खा लेते, वो खुद ही नहीं खाता है, अपनी भूख मिटा लेता है और यूँ कहिए फिर दान कर देता, क्योंकि उसे भरोसा है, उसे विश्वास है कि जब अगली बार उसे भूख लगेगी वो अपने लिए एक नया शिकार ढूंढ लेगा। लेकिन आदमी का इतिहास आप देख लीजिए, अपनी महत्वाकांक्षा की भूख मिटाने के लिए वो लाखों लोगों को मार देता है। हिटलर ने मारा, कार्ल मार्क्स ने मारा, मुसोलिनी ने मारा, हिंदुस्तान में औरंगजेब ने मारा, जहांगीर ने मारा, अकबर ने मारा। अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए जब आदमी अपने लोभ, जब आदमी अपनी वासना के गुलाम होकर के इस तरह दूसरे मनुष्यों के ऊपर आतंक मचाता है, उनका नाश करता है, उनका शोषण करता है, तब एक शेर, तब एक गीदड़, तब एक हाथी, तब एक हिरण, तब एक मगरमच्छ अगर कह सकते तो कहते अपने बच्चों को, कभी आदमी मत बनना, आदमी बहुत गिरा हुआ। जानवरों में बलात्कार नहीं होता, ये त्रासदी भी सिर्फ मनुष्यों में। जानवरों में चोरी नहीं होती, जानवरों में रिश्वतखोरी नहीं होती, जानवरों में झूठ नहीं होता। ये सब आदमी की बीमारियां, ये वो आदमी है जो गिर के हैवान हो चुके,
पशुओं के जगत में, जब कोई मेल या फीमेल जब उनका टाइम आता है, मेटिंग सीजन आता है, तब वो अपने पेशाब के कतरे यहाँ वहाँ अलग अलग जगह में गिराने शुरू कर देते हैं। उसकी महक से उसका, उसकी जाति का जो फीमेल होगा या जो मेल होगा, वो उसकी खुशबू को सूंघ करके उसे ढूंढता है। एंड दे डू लॉट ऑफ लवली चेजिंग ऑफ वन अनदर, दे नज वन अनदर एंड दे सिलेक्ट ऑल्सो। और फिर इन नर मादा का संजोग होता है। कोई मादा पशु किसी नर के ऊपर हमला नहीं करती है और कोई नर पशु कभी किसी मादा पर हमला नहीं। वो इशारे देते हैं, वो खुशबू छोड़ते हैं, वो पेशाब के कतरे छोड़ते हैं, वो आवाज़ निकालते हैं। कोयल की कूक सुनी तुमने? कोयल, मादा कोयल कूकती है और वो जब आवाज़ दे रही है तो वो सिग्नल भेज रही है कि मैं तैयार हूँ, ढूंढती हूँ किसी साथी को। और फिर जो नर कोयल है वो वापस जवाब देता,